हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप रियलमी के मोबाइल में अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप रियलमी के मोबाइल में अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके रियलमी के मोबाइल में बाई डिफ़ॉल्ट पहले से एक एप्लीकेशन आता है क्लॉक नाम से, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएँगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अलार्म, क्लॉक, टाइमर, क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर दिखाई देगा। तो आपको अलार्म को सिलेक्ट करके रखना है और आपने यहाँ पे जितने भी अगर अलार्म सेट करके रखे होंगे उनकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो अगर आप पहली बार अलार्म सेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है अलार्म सेट करने के लिए। उसके बाद आपको कब का सेट करना है, तो यहाँ पर हम 12 बजे का रखेंगे। और यहाँ पे आपको मिनट सेलेक्ट करना है कि आपको कितने मिनट पे इसे प्ले करना है अलार्म को। तो हम यहाँ पे मिनट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एएम पे क्लिक करना है या पीएम पे क्लिक करना है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीएम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिंग ऑन सेलेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका जो अलार्म है आपने जितने टाइम पे सेट किया उसी टाइम पे प्ले होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं दूसरे दिन प्ले हो तो ऐसा नहीं होगा, तो एक ही दिन प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइम पे रेगुलर प्ले हो अलार्म, तो आपको क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिपीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है आप जिस जिस दिन इसे रिपीट करना चाहते हैं अलार्म। तो मतलब उस दिन ना उसी टाइम पे प्ले होगा ऑटोमेटिकली, ये आप एक बार सेट कर देंगे तो। तो अगर आप संडे को नहीं करना चाहते तो आपको संडे को अनटिक कर देना है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं आपको किस दिन प्ले करना है किस दिन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिंगटोन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तभी मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो आपको जो भी सेट करना है अलार्म पर रिंगटोन, वो आपको यहाँ से सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वाइब्रेशन, तो अगर आप वाइब्रेशन ऑन करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है राइट का, तो आपको राइट के टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो अलार्म है वो सेट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने रियलमी के मोबाइल में अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।